हु इज द बेटर एक्ट्रेस, तापसी पन्नू या स्वरा भास्कर? दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन आपने दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। मेरी जो बहन है उन्होंने आई थिंक तापसी ने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर की जरूरत है, जबकि वो 2012-13 से स्ट्रगल कर रही थी, तो जब 2016 में फाइनली उनको सफलता मिली तो उस टाइम पे उन्होंने पहली बार जब मेरे बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर चाहिए। तो उसका जवाब मेरी बहन ने दिया था कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं जो कंगना की कॉपी करती हैं और जो फिल्में कंगना ने छोड़ी होती हैं वो करती हैं, तो और जाहिर सबको पता है कि वो फिल्में पहले मुझे ऑफर हुई थी, तो उनको उस तरह से स्टाइलिंग करके या प्रेजेंट करके जो है वो किया था। तो मेरी बहन ने इस चीज़ का जवाब दिया था कि इस तरह से किसी को बोलना अच्छा नहीं, स्पेशली जब आप उनसे ही इंस्पायर होकर अपना करियर चला रहे हैं। तो आई थिंक शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। अगर वो एज में तो वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर्ड हैं और मुझे अपना रोल मॉडल मानती हैं, तो इतने अभद्र शब्द कहना कि उसको डबल फिल्टर लगाना चाहिए, जब मैंने उनके बारे में, मुझे पता भी नहीं था उनके बारे में तब, आई थिंक ये काफ़ी ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मेरी बहन ने कहा था, मैंने कभी उनको इतना तवज्जो दिया नहीं। मैं खुश हूँ कि उनको इवेंचुअली सफलता मिली। और जहाँ तक स्वरा की बात है, वो तनु वेड्स मनु में जो है मेरे साथ थी, और तनु वेड्स मनु में वो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी हमेशा, और हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मुझे याद है एक सीन में तो मैंने उनकी स्टाइलिंग भी की थी, उनके पूरे बाल खोलकर मैंने ही बनाए थे उनकी इंट्रोडक्शन सीन में। तो ऐसे ऐसा भी वक्त हमने देखा है। फिर अचानक से उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझसे, क्योंकि जो ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं और ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं तो फिर वो बाकी किसी के व्यूज पसंद नहीं करते हैं, तो वही शायद उनके साथ भी हो गया। तो आपका, आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, देखिए मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है, इस मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी कि मतलब आपको, आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है ना। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग अच्छाई के साथ हैं, ये उनके जख्मों के लिए मलहम भी तो है, मेरी बातें है ना। जो लोग उनको उस तरीके से देखते हैं, जिनकी परसेप्शन में वो वैसे हैं, अब